सिट्टा बाजरे दा सिट्टा वे असा तली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा माइया रुठड़ा जांदा माइया वे असा गली विचों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा काले काले बदल आए चुकी जान हनेरी अज नसा तो रुसी टोला सोए तैनू में छमा छमी पिया बरसे जवानी खिड़खिड़ हसे एस रुते सोना एस रुते सोना करो किसे ना भी छोड़िया बाजरे दा सिट्टा बाजरे दा सिट्टा वे असा तली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा माइया रुठड़ा जांदा माइया वे असा गली विचों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा। सचकल दोस्तों स्वागत है KCGC दे खास प्रोग्राम चाह ते गल्लां दे विच। तुसी प्रोग्राम दे स्टार्टिंग विच बड़ी खास जी बड़ी मिठी जी आवाज़ सुनी है जी। ये आवाज़ है साडे खालसा कॉलेज फॉर वूमेन दे शान मैम डॉक्टर जतिंदर कौर जी दी। जी मैम अज साडे विच मौजूद ने साडे नाल चाह दे कप ते बहुत सारियां गल्लां बातें करांगे असीं। सब तो पहलो मैम स्वागत है KCGC TV ते, किवें दा लग रिहा है आके? गुरमिंदर जी सब तो पहला मैं गल्लबात शुरू करन तो पहला अपनी मैनेजमेंट दे प्रधान सर सैकटरी सर का तह दिलों धन्यवाद करांगे कि जिन्होंने ये KCGC चैनल चला के साडे ते बहुत वड्डी कृपा की है। इस चैनल राही असी अपनी हर संस्था दी गतिविधियां नू घरे बैठे देख सकते हैं क्योंकि साडे कोल टाइम नहीं हुंदा कि असी अपने रुझेवे छड्ड के दूजी संस्थावां तक जा सकीए। इहदे च सारियां संस्थावां दी गतिविधियां इस चैनल राही कवर हुंदियां ने ते साडे वर्गे लोगों तक पहुँचदियां ने। तो मैं तह दिलों अपनी सारी मैनेजमेंट का धन्यवाद करांगे कि जिन्होंने ए इन्नी अच्छी साडे ते कृपा की जी। मैम संगीत एक साधना है ते तुहाडी इह साधना कदों तो शुरू होई सी? मैं अपने आप नूं बहुत सुभागी समझदी हाँ कि मैं एक संगीत सबजैक्ट नूं चुन के उहदे च अपना कैरियर बनाया क्योंकि संगीत एक इहो जी चीज़ है जिहड़ी तुहानूं सारिया मुश्किलां तों सारिया चिंतावां तों सारिया परेशानियां तो दूर लैके जाती है ते थानू एक परमात्मा दे नाल जोड़ती है जी। मैं बहुत खुशकिस्मत हाँ कि मैं संगीत नू अडॉप्ट किया ते उहदे च ही अपना कैरियर बनाया जी। मैम छोटे ही सी जदों शुरू कर दिता सी? हाँ जी मैं बहुत छोटी सा कि मैनू एहसास हो गया सी कि मैं अच्छा गाँनी हाँ क्योंकि जदों भी मैं गाना गाना तो लोगों ने अच्छे तरह सुनना और मैनू कहना दोबारा सुनाओ ते मैनू लगना कि शायद उन्होंने अच्छा लग्या है जो कि मेरे तो दोबारा सुनना चाह रहे हैं ते मैनू बहुत जल्दी पता लग गया सी कि भी मैनू गाने गाने चाहिए ने। कोई भी फंक्शन हुंदा सी मैं उत्थे अपना नाम लिखवा देंदी सी कि मैं अपना गाना गाना है। सो इस तरह करदे करदे अज मैं इत्थों तक पहुँच गई। ते मैं फैमिली दे विच भी कोई गाँदा सी? इस तरह गुरमिंदर जी फैमिली च कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं गाँदे बजाते सीगे, थोड़ा बहुत शौक ते जिद्दां बच्चों नू हमेशा घर च हुंदा है इदां ही मैनू सीगा पर मैनू ज़्यादा लगन लग गई। मैं इहदे च अपनी सारी स्टडी कर ली ते मैं इत्थों तक पहुँच गई। ते स्टडी मैम इत्थे ही अमृतसर च होई है? नहीं इस तरह है मेरे पापा रेलवे च जॉब करदे सी जी ते मेरी स्टडी जिहड़ा जमपल है मेरा वह यूपी का है। ओके। यूपी तो मैं 10th की है फिर मेरे पापा राजस्थान चले गए असी राजस्थान में हायर सैकेंडरी की फिर मैं बठिंडा BA की फिर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला MA की फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके मैं MPhil की PhD मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तो की। मतलब तुसी पूरा पंजाब घूम लिया होया इन्नी अच्छी पंजाबी? हाँ इन्नी अच्छी पंजाबी मैं पंजाब च आके सीखी है क्योंकि मैं इत्थे तुहानूं दसना चाहवांगी कि जदों असी यूपी च रहिंदे सी ते मैनूं पंजाबी बिल्कुल बोल तां लैंदे सी असी घर दे विच पर लिखनी पढ़नी नहीं आंदी सी। जदों मेरे पापा दी ट्रांसफर बठिंडा होई ते उत्थे पंजाबी कंपलसरी सी फिर मैं ऊड़ा ऐड़ा उत्थे सिखिया ते उस तो बाद जदों मेरी खालसा कॉलेज च जॉब लगी ते मेरी क्योंकि सिख फैमिली नाल बिलोंग करदे आ पंजाबी ते आंदी आंदी। सो खालसा कॉलेज फॉर वूमेन ते आने आ ते साडियां खालसा संस्थावां दे नाल किद्दां जुड़े तुसीं? मेरी जॉब दा जो कैरियर है मैं खालसा कॉलेज फॉर वूमेन तो ही शुरू किया जी। 1990 दे विच मैं इत्थे एज ए एडहॉक शुरू किया सीगा और लगभग 32 साल दी मेरी नौकरी हो गई है मैं खालसा कॉलेज फॉर वूमेन च सेवावां करदी हाँ
और मैनू इन्ना अच्छा लगता है कि मैनू आज जो भी जानता है इस तरह जानता है कि खालसा कॉलेज वाले जतिंदर मैडम जी, तो मैं बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं एक इन्नी अच्छी संस्था के विच अपनी सेवाएं निभाई हैं। जी बिल्कुल मैम। तो मैम जिदा तुसी टीचिंग लाइन नू चुनिया प्रोफेशनली, इन्नी अच्छी आवाज़ होने के बावजूद भी तुसी सिंगिंग लाइन दे विच प्रोफेशनली नहीं गए, इहदा कोई खास कारण सी? नहीं, इस तरह सीगा कि जिस तरह असी पढ़े हाँ तो मैनू जॉब मिली है, तो मैं जॉब नू ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों नू सिखा के ज़्यादा इंजॉय किया, तो विच विच मैं अपने प्रोग्राम्स देंदी रहिंदी सी, पर मैनू उसनू प्रोफेशनली नहीं मतलब अडॉप्ट किया, क्योंकि मैनू सीगा कि जो सानू सिखा के मज़ा आंदा है, जो गा के मज़ा आंदा है, वो एक ऑडियंस जाके होर तरह का महसूस होंदा है, क्योंकि थानू पता है कि जिस तरह कई बार शादी ब्याह के माहौल के विच लोग ड्रिंक कर रहे होंगे ने, गल्लां बातें कर रहे होंगे ने, मैनू लगता है कि संगीत एक साधना की चीज़ है, इसनू आराम दे नाल प्यार दे नाल भगती दे नाल सुनिया जाए, क्योंकि थानू पता है साडे गुरु साहिबान जी ने भी संगीत नू पहल दित्ती है और फिर उस दे नाल बाणी नू जोड़िया है। बिल्कुल। ते यह बड़ी सुची सच्ची जी चीज़ हैगी है, तो मैं लगता सी कि मैं इसनों सिखाव और गाव वो ज़्यादा अच्छा है। ते मैम रिकॉर्डिंग्स भी हुई हैं कुछ? हाँ जी, मेरिया दो सी डी आई हुई ने, एक मैं फोक म्यूजिक दी घोड़ियाँ ते सुहाग आई है मेरी जी, और एक मेरी शब्द की आई हुई है। ते मैम जरूर असी चाहवांगे कि उन कैसेट्स दे विचों तुहाडा जिहड़ा बहुत मनपसंदीदा कुछ है सानूं सुनाया जावे। हाँ, मैनू लोक गीत गाने बहुत पसंद ने, स्पेशली सुहाग जी, मैं एक सुहाग सुनावांगी जी। मधाणिया हायो मेरे डाडिया रबा, किन्ना जमिया किन्ना ने लै जानिया, हाए हायो मेरे डाडिया रबा, किन्ना जमिया किन्ना ने लै जानिया, हाए लोई बाबल तेरे महलां विचों, तेरी लाडो परदेसन होई, हाए बाबल तेरे महलां विचों, तेरी लाडो परदेसन होई, हाए। मैम बहुत खूबसूरत आवाज़ है तुहाडी, और जिहड़ी चीज़ खास है कि मैनूं पता लगा सी कि तुहाडा जिहड़ा म्यूजिक दा जिहड़ा स्पैशलिटी है वह भी फोक सोंग ते धार्मिक सोंग ने। हाँ जी। ते मैम साडा ए वाला विरसा जिहड़ा है, मतलब बहुत चंदक लोगों ने घोड़ियां सहाग जिहड़े ने सांभ के रखे हुए ने, ते किसे किसे दी आवाज़ ते ही जचदे ने। सो मैम तुहानूं इन्नी देर हो गई है खालसा वूमेन दे विच, बहुत सारे स्टूडेंट्स तुहाडे कोलों निकले ने, ते किदां दे मतलब जिहड़े स्टूडेंट्स ने तुहाडे ते की खास उन्हां नूं तुसीं जिहड़ा गुण है वी हुण तक दित्ता होया है जिहड़ा ओह अगे चल के वी निभा रहे ने? इस तरह गुरमिंदर जी, अमृतसर दे मैक्सिमम जिहड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स ने जी, उन्हां विच बड़ी फखर दी गल है कि मेरे स्टूडेंट्स उत्थे जॉब कर रहे ने जी। तुसीं कोई भी अमृतसर दा अच्छा स्कूल देख लो, उत्थे जाके देखो मेरा स्टूडेंट उत्थे जॉब कर रहे हैं। मेरा दो एरियाज बहुत फेवरेट रहे ने, एक गुरबाणी और एक फोक म्यूजिक। गुरबाणी च भी मेरी पूरी मतलब कोशिश है कि असी इनू निर्धारित रागां दे विच ही शब्द कीर्तन मतलब करिए, ताकि जेड़ा जो प्रथा साडे गुरु साहिबान जी ने चलाई है वो असी पब्लिक तक पहुँचाइए, मेरी पूरी कोशिश होंदी है। दूसरा जेड़ा साडा लोक संगीत, लोग भुलदे जा रहे ने, उहदे विच मिक्स बहुत आ गया है, इंस्ट्रूमेंट्स मिक्स करदे ने, ट्यून्स मिक्स करदे ने, मेरी कोशिश है कि भी जिहड़ा निरोल जो साडे कोल पिछों चलिया आ रहा साडा लोक संगीत वो असी बच्चों तक पहुँचाइए। बड़ी मज़ेदार गल है कि जदों तो मैं जॉब करनी शुरू की है, साडा यूथ फैसटिवल दे विच लोक गीत मेरा हमेशा फस्ट आंदा है, क्योंकि मेरे रूह की जान है और लोक गीत गाने उन्हें बिल्कुल छेड़छाड़ मैनू पसंद नहीं है, जिस तरह असी सीखे उस तरह ही सिखाती हाँ, तो मेरी पूरी कोशिश होंगी है कि बच्चे वो फस्ट आन, तो बच्चों ने मैनू बहुत मतलब एक लोक गीत हो जावे जी। मैं एक तुहानू कोड़ी सुनानी हां जी। जदों चढ़िया वीरा कोड़ी वे तेरे नाल परावां दी,
जोड़ी वे लटकेंदे वाल सुने दिया लड़ियां सुने हवीरा वे तनु कोड़ी चढ़े नीया सुने हवीरा वे तनु कोड़ी चढ़े नीया जदों चढ़े अवीरा खारे वे तेरा बाप रपइये वारे वे लटकेंदे वाल सुने दिया लड़ियां सुने हवीरा वे तनु कोड़ी चढ़े नीया सुने हवीरा वे तनु कोड़ी चढ़े नीया। बा कमाल मैम, जिदा मैं शुरू च भी कहा सी के संगीत साधना है, सो इहदे लई मैनू लगदा वी के हर एक साधना जिहड़ी हुंदी है ना उहदे लई गुरु दी लोड़ पैंदी है ना, सिखणा बहुत जरूरी हो जांदा है। अजकल के ता नहीं इहो जिहा रह गया होया, पर फिर भी ते तुसीं वी सिख्या। हांजी बिल्कुल, मैं बहुत खुशकिस्मत रही हां कि स्टूडेंट लाइफ दे विच मैनूं बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले ने, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले ने। शुरू च मेरे जसविंदर मैडम बठिंडा मैनूं बीए करांदे सी, एमए च मैनूं बहुत अच्छे टीचर्स मिले ने, कपिला मैडम, गुरप्रताप सिंह गिल सर, सोहन सिंह सर, किरीर सर, इस तरह। ते मेरे जिहड़े मेन गुरु सीगे अपना स्वर्गीय अजीत सिंह पेंटल, जिन्हां कोलों मैं सामने बैठ के ए तालीम ली, और अज मैं जो भी हाँ अपने गुरु अजीत सिंह पेंटल जी करके ही हाँ। उन्होंने जो मैं सिखाया तो वह तो बा कमाल सी, और उन्होंने दा मैं देना नहीं दे सकती। मैम मैं देख रही हूँ तुहाडियां काफ़ी सारिया बुक्स, कुछ हिंदी च ने, कुछ पंजाबी च ने, कुछ पंजाबी लोक काव्य बारे ने, सिख धर्म बारे ने, गुरमत संगीत बारे ने, काफ़ी तुहाडियां बुक्स जिहड़ियां छपियां होईयां ने, ते ए केड़े वेले टाइम निकलदा है इस इना लई, जां इना दी की स्पेशलिटी है इना किताबां दी? हाँ, तुसी गुरमिंदर जी मैंने एक गल पुछी सी कि तुसी प्रोफेशनली संगीत नू क्यों नहीं अडॉप्ट कीता? जी मैम, मैं अगर टीचर रही हाँ तो मैं ये भी काम करन दी फुरसत मिल जाती सी जी, क्योंकि टीचिंग सानू इन चीज़ों के नाल जोड़ती है पढ़न लिखन नाल। जे बंदा प्रोफेशनल हो जाता है ना, वह फिर इन चीज़ों तो दूर हो सकता है। एक मेरा प्रोफेशनल ना बनन दा यह भी कारण सीगा कि मैं अपने लिखन पढ़न दे नाल जुड़ी रहिंदी सी। सो मेरा दिल करदा सी कि मैं पाठकां दी झोली च अपनी वह किताबां पावां जिहड़ियां कि उन्हां नूं फायदा देन। ते मैं लोक संगीत दे उपर एक किताब लिखी है, लोक काव्य रूप च घोड़ियां, सुहाग, वारां, लोरियां, छंद, जिन्नियां भी साडियां वनगियां हैगियां वह सारियां उहदे च हैगियां। फिर मेरा भगती संगीत दे नाल बड़ा गूढ़ा रिलेशन है, ते उहदे बारे भी मैं दो बुक्स कढ़ियां, एक गुरमत संगीत बारे बुक्स निकाली है, लिखी है, ठीक है। ते मैनूं लगदा है कि मेरे जाण तों बाद इह किताबां ही साडियां एक सोर्स होंदा है जिहड़ा कि सानू याद करदा है, ठीक है। सो मैं अगर टीचर बनी तो मैं यह सब भी कर सकी। इस तो अलावा मैं 40 कु रिसर्च पेपर भी लिखे हुए ने जिहड़े कि मेरे वक् वक् जर्नल्स पब्लिश हुए ने। ते मैम कोई खास तरह की जिंदगी दे विच मूवमेंट कॉलेज दे अंदर वूमेन, खालसा वूमेन दे, जां इस तो बाहर कितने तुसी परफॉर्मिंग करन गए हो, साडे नाल शेयर करनी चाहो? परफॉर्मेंस तो मैं काफ़ी दित्तियां ने, कीर्तन दियां भी बहुत दित्तियां ने, और लोक संगीत दियां भी दित्तियां। इस तो अलावा मैं कुछ नहीं स्टेजेस ते गाया। ते खास यही हुंदा है कि जदों असीं बच्चों नूं सिखाने आ ते जदों बच्चे सानूं उहदा अच्छा रिजल्ट लिया के देंदे ते बड़ी खुशी हुंदी है जी। बिल्कुल, हुण जिस तरह अजकल जितना असीं कीर्तन मेरे बच्चे करदे ने ते जदों उहदी तारीफ हुंदी है या जो भी बच्चे गाते ने, तो मैं लगता है कि इस तो अच्छी या प्यारी मूवमेंट होर कोई नहीं हो सकती, क्योंकि असी अपने आप को बच्चों के बीच देखते हैं, साडा कैरियर बच्चों के नाल चलता है। बच्चा अच्छा, बच्चे अच्छा करते हैं तो असी भी खुश होते हैं, तो यह सब तो अच्छी मूवमेंट्स होंगे ने जो थोड़े बच्चे थोनू 100% रिजल्ट लिया के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम थोड़ी फैमिली के हूँ कोई अगे संगीत नाल जुड़िया है? इस तरह है कि जिस घर च मेरी शादी हुई सी, मेरे फादर इन लॉ नू बहुत शौक सीगा, मेरी सिलेक्शन उन्होंने इसीलिए की सी कि इन्होंने एमए म्यूजिक च किया होया, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ सरबलोही सन, तो उन्होंने कीर्तन तुहानू पता है कितना ज़्यादा इंपोर्टेंस देंदे सरबलोहियां च। ते मेरी शादी तो पहले मेरे इन लॉज दे विच मेरे हस्बैंड तबला बजांदे सी और मेरी सिस्टर इन लॉ सब कीर्तन करदियां सी, तो उस तो बाद मेरे नाल भी यही कुछ होया। मेरे हस्बैंड तबला बजांदे सी, घर च कोई भी कीर्तन दा समागम हुंदा सी ते मैं अपना शब्द कीर्तन करदी सी। मेरे दोनों बेटे
ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਵਰ ਸਨ ਗਿਟਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਇੰਡੀਗੋ 'ਚ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਰਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਮ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋ ਕੈਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡਮ ਆਏ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੈਂਟ ਹੋ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਐਲੀਗੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਮੈਮ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਪਤਨ ਚਨਾ ਦਾਉ ਯਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਪਤਨ ਚਨਾ ਦਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਪਤਨ ਚਨਾ ਦਾਉ ਯਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਪਤਨ ਚਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਉ ਯਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਪਤਨ ਚਨਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਗ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਤਤੜੀ ਦਾ ਜੀਅਰਾ ਡੋਲਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਾਗ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਤਤੜੀ ਦਾ ਜੀਅਰਾ ਡੋਲਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੰਦੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਮੰਦੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਪਤਨ ਚਨਾ ਦਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਪਤਨ ਚਨਾ ਦਾ ਯਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਪਤਨ ਚਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਜਾਂ ਸੁਹਾਗ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਗਾਇਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੋਲੇ ਭਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ
या दियोर दराणी दी तुणक मुणक है, यह सानू पुराने गाणियां दे विच मिलदियां ने, रुसना मनाना, ठीक है। पर अजकल ते गोलियां दियां गल्लां, शराबां दियां गल्लां जो साडी सोसाइटी कर रही है उही गाणे च रिफलैक्ट हो रहा है, उही बच्चे अडोप्ट कर रहे हैं। मैनूं लगदा जो गाणे आ रहे ने उहनां नूं ही अडोप्ट वी कीता जा रहा है, बच्चे सुणदे वी नहीं ते उही कुछ करदे, उही कुछ करदे आ। मैं सब नूं मतलब अपील करांगी कि प्लीज़ इहो जिहे गाने ना लिखे जान और ना गाए जान और ना ही साडे जनरेशन्स खराब होन। मेरी जदों तक कोशिश होएगी कि मैं इन्हां लोक गीतां नूं अगे लैके जावां। गुरमीत बाबा जी सन, लाची बाबा सीगियां, मेरा उन्हां नाल बड़ा प्यार सीगा। मतलब बड़ा दुख लगता है कि एक चैप्टर खत्म हो गया लोक गीतां दा, पर मैं चाहवांगी कि जद तक मेरे साह ने मैं जॉब तो बाद इस चीज़ नूं कंटिन्यू करांगी और लोक गीतां दी रखवाली करांगे। मैम क्योंकि तुसी बुक्स लिखिया भी हैं जां कैसेट्स, कोई खास तरह का अवार्ड कोई सानू दसना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे इनाम मिले होंगे तो हर। हाँ जी हाँ जी, कई बारी मैनू कई जगह तो बेस्ट टीचर अवार्ड्स जो जी। मैं म्यूजिक नू सर्विसेज दित्तियां ने, दो बारी मैनू सरस्वती कला अवार्ड मिलिया होया है, एक बारी कला रतन अवार्ड मिलिया होया है, होर भी कई हैगे ने जो मैनू टाइम टाइम ते अवार्ड्स मिलते रहते हैं, कई सोसाइटीज़ देंदियां ने, कई संस्थावां देंदियां ने, ते वो मैं तुहानू सारियां दे दांगी, तुसी उसनू देखना। जी बिल्कुल, ठीक है जी। मैम हुण तक दा म्यूजिक सफर किवें दा रहा, किन्ने किन्ने खास साथ दिता, ते कदी कोई जिंदगी दे विच स्पैशल अड़चन आई होवे जां इहदे बारे की दसना चाहोगे? गुरमिंदर जी, जदों तो मैं खालसा कॉलेज फॉर वूमेन्स जॉब शुरू कीती है, मैं अगे ही अगे वधी हाँ जी, कोई अड़चन नहीं आई मेरे रस्ते च। और सब तो ज़्यादा मैं अपने साथी मुकेश जी का धन्यवाद करांगी जिन्होंने मैनू बहुत अच्छा साथ दिता, और बहुत अच्छे तबला वादक ने, दो बारी उन्होंने नैशनल अवार्ड्स मिले हुए ने, अवार्ड मिले हुए ने, और उन्होंने जोड़ा मेरा साथ रहा है मेरिया चीज़ों नू निखारन दे विच संवारन दे विच उन्होंने बहुत अच्छा साथ रहा है। उस तो अलावा मेरी दोस्त है रविंदर कौर, पंजाबी दे लैक्चरर ने, उन्होंने भी मैनू अगे वधन विच बहुत अच्छा साथ दिता है। अगर थानू कंपनी अच्छी मिल जाए ना, तो चाहे वह तुहाडा तबले वाला साथ होवे या तुहाडा दोस्त होवे, तो थोड़ी जिंदगी बड़ी आसान ते खूबसूरत बन जाती है। ते मैम किन्नियां सेवावां रह गईयां ने वूमेन कॉलेज दे विच, ते इस तों बाद की सोचिया होया? तुसी बड़ा अच्छा सवाल किया गुरमिंदर जी, और बड़े अच्छे टाइम तुसी मैनू इत्थे चाह ते बुलाया है, क्योंकि मेरिया सिर्फ 2 महीना होर सेवावां रह गईयां ने। मैं 31 जुलाई नू रिटायर हो जाना है, ताकि बड़ा अच्छा है कि मैं पूरा अपना कैरियर तुहाडे सामने रख पा रही हूँ। ते उस तो बाद जदों भी मैनू वूमेन कॉलेज याद करेगा किसी भी काम बारे, मैं हमेशा अपनियां सेवावां देवांगी, और मेन मेरा काम होएगा कीर्तन और लोक संगीत नू प्रमोट करना। मैं रिटायर होके भी इहदे वास्ते जो भी मेरे तो बन पाएगा मैं करांगी, संगीत नाल जुड़े रहो, जुड़े रहो। ते मैम चाह ते गल्लां ते आके किवें दा लग रहा है? मैनू बहुत अच्छा लग रहा है जी। तुसी किसे नू बड़ा मैनू माण महसूस हो रहा है कि मैनू परमात्मा ने खालसा कॉलेज फॉर वूमेन च जॉब दिती, उस राही मैं थोड़े नाल गलबात करन वास्ते आई, बड़ा ही मान महसूस हो रहा। ते मैम जांदे जांदे एक गाना, पर उस तो पहलों असी चाहवांगे कि साढ़े बहुत सारे स्टूडेंट्स जिहड़े ने म्यूजिक नाल जुड़े हुए ने, कोई क्योंकि खालसा कॉलेज दे वूमेन तो इलावा होर साडियां जिन्नियां भी संस्थावां ने बहुत सारे गायक इत्थों निकल रहे ने, तो की संदेश देना चाहोगे साडे स्टूडेंट्स नूं? मैं स्टूडेंट्स नूं यही कहना चाहवांगी कि अच्छे लिरिक्स देख के अच्छे गीत चुनो और उन्होंने गाओ। रागां दे विच बहुत जोर हुंदा है, राग तुहानू रुला भी सकदे है, राग तुहानू हसा भी सकदे है, रागां दे नाल जुड़ियां चीज़ां नू, जिस तरह मैं गाना गाया सी लंघिया जा पतन चना दा, वह भी बागेश्वरी राग दे विच है। जदों असीं रागां दे विच जुड़ियां चीज़ां नू, चाहे वह कीर्तन है चाहे वह लोक संगीत है, असीं अडोप्ट करांगे तो सानू खुद नू भी सकून मिलेगा और असीं किसी नू भी सकून दे सकांगे। तो जे असीं गलत मलत चीज़ां नू चुन के उन्हों गावांगे, उह ना सानू सुकून देणगियां ना किसी नू। संगीत सुकून दी चीज़ है, खुद भी लवो ते दूसरियां नू भी दो। ते मैम अजकल तां मैनू लगदा वी असीं फिर गल निकल आई के
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰਡਲੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਗ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਗਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ, ਫੋਕ ਕਰੋ, ਸੂਫੀ ਕਰੋ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਢੋਲ ਮੇਰਾ ਰਹੀਏ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਢੋਲ ਮੇਰਾ ਰਹੀਏ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਗਈਏ, ਆ ਮਿਲ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਵੇ ਢੋਲਾ, ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆ ਵੇ ਢੋਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਮੈਮ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਮ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇ, KCGC ਚੈਨਲ ਦਿਨ ਦੁਨੀ ਰਾਤ ਚੌਗਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।